नमस्कार दोस्तों, अभी हम मौजूद हैं दरभंगा के राज मैदान में, और दरभंगा के राज मैदान में अचंबा फिजिकल एकेडमी है। इसी फिजिकल एकेडमी में सैकड़ों स्टूडेंट्स, जहां महिला अभ्यर्थी भी हैं, पुरुष अभ्यर्थी भी हैं, फिजिकल टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं सिपाही भर्ती के लिए। और इन सभी के मन में ये जुनून है कि सिपाही बने, बिहार में सिपाही बनकर प्रशासन में जाए और बिहार की सेवा करें। लेकिन इन लोगों के सामने एक सबसे बड़ी समस्या आ गई है, लिखित परीक्षा पास कर गए हैं, लेकिन अब NCL और EWS को लेकर इन लोगों के सामने एक समस्या खड़ी हो गई है। इन लोगों के सामने ये समस्या खड़ी इसलिए हो गई है कि पहले से ये स्पष्ट नहीं किया गया था कि किस डेट से पहले का EWS या NCL चाहिए। और जनरली यही होता है, सामान्यतः यही होता है कि जब मांगा जाता है EWS या NCL किस पाली में, तो लोग बना के देते हैं कि करंट बना रहेगा, ताजा ताजा बना रहेगा। लेकिन अभी जो चर्चाएं चल रही है बहुत जगह से कि विज्ञापन जब आया उससे पहले का या फॉर्म भरने से पहले की तिथि का EWS या NCL चाहिए, लेकिन हजारों ऐसे स्टूडेंट्स हैं, हजारों की संख्या है, 1-2 हजार नहीं, कम से कम 30-40 हजार से ज्यादा संख्या है, 85 हजार हो सकता है, जो ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके पास EWS NCL जो कुछ बाद में बनाए या पहले भी है, तो उसमें भी कुछ ऐसा है कि डेट की दिक्कत है। और इसके चलते अगर CSVC ने संवेदनशीलता नहीं दिखाई, न्याय नहीं किया, तो लिखित परीक्षा पास करने के बाद भी हजारों अभ्यर्थी सिपाही भर्ती के, महिला और पुरुष अभ्यर्थी, ये मेरिट से बाहर हो जाएंगे, यानी सिपाही भर्ती से बाहर हो जाएंगे, फिजिकल टेस्ट भी नहीं दे पाएंगे। तो हमारी ये मांग है सरकार से, खासकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से और CSVC के चेयरमैन जो हैं उनसे, और अभी जो CSVC के चेयरमैन सर हैं उनके बारे में पता चला कि ये बहुत ईमानदार हैं, अच्छे अधिकारी हैं, तो इनसे हमारी उम्मीद भी है और मांग भी है कि सर आप अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए। और इन अभ्यर्थियों के चेहरे पर जो उदासी छाई हुई है, और ये सिर्फ बिहार के दरभंगा जिले में नहीं है, बल्कि बिहार के हर जिले में हजारों अभ्यर्थी है जिनके चेहरे पे आज मायूसी है, उदासी है कि उनके साथ क्या होगा। तो इनके साथ न्याय होना चाहिए। EWS और NCL सर्टिफिकेट इनके पास जब का भी हो, जिस समय का भी हो, वो मान्य किया जाना चाहिए, क्योंकि मैट्रिक इंटर आप जब विज्ञापन निकाले उसके बाद वो नहीं कर सकते, जो निर्धारित है उससे पहले ही करना है। कोई चाहेगा 2024 में इंटर पास किए तो इस बहाली में शामिल हो जाए, वो नहीं हो सकता। लेकिन EWS सर्टिफिकेट, NCL सर्टिफिकेट अगर एक साल पहले किसी ने बनाया और आप भी बना रहे हैं, तो उसमें कोई ज्यादा ये तो फर्क की बात नहीं है, उनका आर्थिक स्थिति क्या है, उनकी जाति क्या है, वो तो पहले क्या था वो भी पता चल जाएगा, अभी क्या वो भी पता चल जाएगा, तो इसमें कोई छुपाने वाली बात भी नहीं है। तो इसलिए हम आग्रह कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं CSVC के चेयरमैन सर से कि आप सिपाही भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ न्याय कीजिए, और EWS और NCL अभ्यर्थियों के पास जिस समय का भी है उसको मान्य कीजिए, और इनको मौका दीजिए आगे, ताकि ये कंपटीशन में भाग ले सके, जो फिजिकल टेस्ट है उसमें भाग ले सके, और इनके साथ न्याय हो। और इन अभ्यर्थियों की बिहार के हर जिला में अभ्यर्थियों की ये मांग है, चाहे पटना हो, दरभंगा हो, समस्तीपुर हो, नालंदा हो, सीतामढ़ी हो, कहीं भी हो, हर जिला में स्टूडेंट्स आज मायूसी में है, उदासी में है, वो दौड़ भी लगा रहे हैं, फिजिकल ट्रेनिंग भी कर रहे हैं, लेकिन उनके अंदर एक डर बना हुआ है कि हमारे साथ क्या होगा नहीं होगा। तो CSVC से आग्रह कर रहे हैं कि इन लोगों का डर दूर कीजिए, और NCL और EWS पे न्याय कीजिए, संवेदनशीलता दिखाइए, और अभ्यर्थियों के पास जिस समय का भी है, जब का बना हुआ है, उसको मान्य कीजिए। और हम अभ्यर्थियों से भी हम ये कहेंगे, जो भी अभ्यर्थी इस वीडियो के माध्यम से सुन रहे हैं, देख रहे हैं, कि आप लोग सोशल साइट्स के माध्यम से भी आप आग्रह कीजिए, अपील कीजिए CSVC से भी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से भी कि आपके साथ न्याय हो, हम भी आपके साथ खड़े हैं, जहां भी जरूरी होगी हम आपके साथ रहेंगे, सड़क पे उतरना होगा सड़क पे भी उतरेंगे, लेकिन हम CSVC से आग्रह कर रहे हैं कि सड़क पे उतरने का मौका नहीं दीजिए, और इन लोगों को न्याय दीजिए, संवेदनशीलता दिखाइए, EWS और NCL जिस समय का भी बना है वो मान्य कीजिए, ताकि इनके साथ न्याय हो। धन्यवाद, जय हिंद।